so many pieces all back together now. What's your vision? Hello and welcome to the Extra Class English. और आज हम करने वाले हैं फ्लेमिंगो बुक की लास्ट पोयम आन जेनिफर्स टाइगर्स बाय एड्रियन रिच। अब इस पोयम के थ्रू ऑथर बताना चाहती हैं एक मैरिड वुमेन के बारे में जो अपनी लाइफ में बहुत सारे अनप्लेजेंट एक्सपीरियंसेस को फील करती है आफ्टर गेटिंग मैरिड। लेट्स बिगिन द पोयम। आंट जेनिफर्स टाइगर्स प्रांस अक्रॉस स्क्रीन ब्राइट टोपाज डेनिजंस ऑफ अ वर्ल्ड ऑफ ग्रीन। They do not fear the men beneath the tree. They pace in sleek chivalric certainty. अब पहले स्टैंजा में पोएटिस डिस्क्राइब कर रही हैं उन टाइगर्स को जो आंट जेनिफर ड्रॉ कर रही हैं या बना रही हैं थ्रू हर नीडल वर्क। और कैसे हैं वो? They are bright and topaz and they are prancing. Prancing का मतलब होता है walking energetically. ये एक human quality होती है जो इधर दी गई है टाइगर को। एंड टोपैज एक शाइनी येलो क्रिस्टल होता है। तो आपने टाइगर का कलर देखा ही होगा, कितने ब्राइट लगते हैं, कितने येलो कलर के होते हैं, दे शाइन। वो बता रही है वो किसी चीज से डरते नहीं है। दे आर डेनिजंस ऑफ द ग्रीन, यानी कि फॉरेस्ट में रहते हैं वो, वहां के रहने वाले हैं। एंड दे आर नॉट अफ्रेड ऑफ एनीथिंग, किसी से भी डरते नहीं है। इनफैक्ट जिस तरह से वो चलते हैं एक शिवेलरी, शिवेलरी अगेन एक तरह की ह्यूमन क्वालिटी होती है जिसका मतलब होता है हीरोइज्म। जैसे आपने कभी हीरो की एंट्री देखी होगी बॉलीवुड फिल्म्स में, तो जिस तरह मेजेस्टिक एंट्री दिखाते हैं उसी तरह से ये टाइगर्स भी वॉक कर रहे हैं। दिस शो कितना कॉन्फिडेंस है उनके अंदर। नेक्स्ट इज आंट जेनिफर्स फिंगर्स फ्लटरिंग थ्रू द वूल फाइंड इवन द आइवरी नीडल हार्ड टू पुल। द मैसिव वेट ऑफ अंकल्स वेडिंग बैंड सिट्स हेवीली अपॉन आंट जेनिफर्स हैंड। अब पहले में वो डिस्क्राइब कर रही थी उन टाइगर्स को जो आंट जेनिफर ड्रॉ कर रही थी। अब सेकंड स्टैंजा में पोएटिस इज डिस्क्राइबिंग आंट जेनिफर, जो कि आप पढ़ोगे तो लगेगा दे आर एग्जैक्ट ऑपोजिट ऑफ द टाइगर्स दैट हैज डिस्क्राइब्ड। सबसे पहले आंट जेनिफर बहुत ज्यादा नर्वस है। हर फिंगर्स आर फ्लटरिंग थ्रू द वूल। फ्लटरिंग का मतलब होता है समथिंग दैट यू आर डूइंग इन अ हरी या बहुत ज्यादा नर्वसनेस में। Find even the ivory needle hard to pull. मतलब वो इतनी डरी हुई है, इतनी नर्वस है या इतनी जल्दी में है कि वो एक आइवरी नीडल, एक कोई भी आप नॉर्मल नीडल उठा के देखोगे इतनी हल्की होती है, वो भी उनसे नहीं उठाई जा रही। The massive weight of uncle's wedding band. Wedding band यार represent करता है the engagement ring that she is wearing. Sits heavily upon Aunt Jennifer's hand. यानी कि वो ये line जो है signify करती है कि ये एंगेजमेंट रिंग है, ये अपने साथ लाती है बहुत सारी रिस्पॉन्सिबिलिटीज दैट शी इज फीलिंग और बर्डनिंग हर आफ्टर हर मैरिज। तो वो एक बर्डन है उनके ऊपर एक रिस्पॉन्सिबिलिटीज का इन द फॉर्म ऑफ द एंगेजमेंट रिंग। ये उनके हाथ पे इतना दबा, मतलब उस रिस्पॉन्सिबिलिटीज के अंदर वो बहुत ज्यादा दबी हुई हुई है। एंड द लास्ट स्टैंजा इज व्हेन आंट इज डेड हर टेरिफाइड हैंड्स विल लाई Still ringed with ordeals she was mastered by. The tigers in the panel that she made will go on prancing, proud and unafraid. अब पहले में हमने देखा description of the tigers, second stanza में हमने देखा description of Aunt Jennifer and third में हमने देखा the comparison between the two. यानी कि even after poetess कह रही है even after the Aunt Jennifer will be dead, उनके हाथ पे वो wedding band हमेशा रहेगा। यानी कि वो उन रिस्पॉन्सिबिलिटीज से कभी भी छूट नहीं पाएंगी। दे विल फॉलो टू हर ग्रेव। स्टिल रिंग्ड विद ऑडियल्स शी वॉज मास्टर्ड बाय। ऑडियल्स का मतलब होता है अनप्लेजेंट एक्सपीरियंसेस एंड मास्टर्ड बाय से हमें समझ आता है मास्टर हम किससे तब करते हैं जब हम किसी को कंट्रोल करते हैं। तो अपनी मैरिज के अंदर उनको कंट्रोल किया जा रहा था, शी वॉज मास्टर्ड बाय। दैट इज वाई आंट जेनिफर के साथ उनकी रिस्पॉन्सिबिलिटीज विल फॉलो हर टू हर ग्रेव। और दूसरी तरफ जो उन्होंने टाइगर्स बनाए हैं दे विल बी कॉन्फिडेंट, वही शिवालरिक वे में चलेंगे और अपने अराउंड अपने वर्ल्ड में आराम से घूमेंगे। अनलाइक आंट जेनिफर्स दे विल बी प्राउड एंड अनअफ्रेड। जैसे कि आंट जेनिफर अफ्रेड है, डरी हुई है, बट ये टाइगर्स बिल्कुल भी ऐसे नहीं होंगे। अब अगर आप इस पोएम को देखेंगे तो यहाँ पे आपको समझ आ जाएगा टाइगर और आंट जेनिफर के बीच में एक कंपैरिजन ड्रॉ करा गया है, जहां पे एक तरफ
दे आर डेनिजंस ऑफ देयर ओन वर्ल्ड, बहुत शिवैलरिक वे में चलते हैं वहां पे. दूसरी तरफ बिकॉज आंट जेनिफर किसी और घर में रहती हैं अब आफ्टर मैरिज, वो उनका अपना घर नहीं है. जो शिवैलरी, जो सर्टेनिटी टाइगर्स के में देखी जाती है उनके, वो उनके अंदर नहीं है क्योंकि वो कॉन्फिडेंट इनफ नहीं है. वो डरी भी रहती हैं क्योंकि वो अपने घर में नहीं है, किसी और के घर में है. और किस तरह से वो अपने आप को बहुत ज़्यादा बर्डन फील करती हैं फ्रॉम द रिस्पॉन्सिबिलिटीज. ऑन द अदर हैंड जो उनके टाइगर्स हैं, दे आर फ्रीली मूविंग हियर एंड देयर, दे आर प्रांसिंग. तो एक कंपैरिजन ड्रॉ करा गया है इस पोएम में बिटवीन द टाइगर्स एंड आंट जेनिफर, यानी कि एक तरफ एक ऐसा इंसान जो फ्री है और दूसरी तरफ एक ऐसा इंसान जो बहुत ज़्यादा बर्डन है. ये जो वो ड्रॉ करती है एम्ब्रॉयडरी, ये शो कर रहा है उस वर्ल्ड को जहाँ पे वो रहना चाहती हैं, जिस तरह से वो जीना चाहती हैं, बट एक्चुअल में वो वैसे नहीं जीती. जैसे जिस तरह वो टाइगर्स ड्रॉ करती हैं, दे आर शिवरिक, दे आर प्रांसिंग, उनको भी ऐसे आज़ाद रहना है, उनको भी ऐसे खुश रहना है, ऐसे कॉन्फिडेंस में रहना है, लेकिन वो वर्ल्ड उनका रियल नहीं हो पाता. इन हर रियल वर्ल्ड शी इज़ वेरी अफ्रेड, शी इज़ वेरी टेरिफाइड. अब जो क्वेश्चंस आते हैं वो भी इस पोएम के इसी फॉर्म में आते हैं कि आंट जेनिफर सबसे पहले ये वेडिंग बैंड क्या सिग्निफाई करता है. तो आप लिखेंगे वेडिंग बैंड हियर सिग्निफाइज द एंगेजमेंट रिंग और उसके साथ जितनी भी रिस्पॉन्सिबिलिटीज आती हैं आंट जेनिफर के ऊपर, वो आप लिखेंगे इसमें. सेकेंड इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आता है कि टाइगर्स के लिए शिवैलरिक क्यों यूज़ किया गया वर्ड, क्योंकि शिवैलरिक का मतलब होता है हीरो की तरह, बोल्डनेस की तरह. तो ये एक स्टार्क कंट्रास्ट है टू द आंट जेनिफर जो कि बहुत ज़्यादा डरी हुई हैं. तो इसमें आप ये कवर करेंगे. एंड देन क्वेश्चन आता है ये मास्टर्ड और ओडियल्स वाला, जैसे मैंने आपको लाइन पढ़ के दिखाई थी, शी वॉज मास्टर्ड बाय, यानी कि वो अपनी रिलेशनशिप में, अपनी मैरिज में उन्हें कोई कंट्रोल कर रहा था, शी वॉज नॉट फ्री. और ओडियल्स का मतलब है कि अनप्लेजेंट एक्सपीरियंसेस, यानी कि इस पोएम के थ्रू हमें पता चलता है कि आंट जेनिफर एक अनहैप्पी मैरिज में थी, एक अनहैप्पी रिलेशनशिप में थी जहां उनके साथ बहुत सारे अनप्लेजेंट एक्सपीरियंसेस हुए थे. सो इन दिस वीडियो वी कवर द वर्ड मीनिंग्स, द इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन एंड अ समरी एंड एनालिसिस ऑफ पोएम आंट जेनिफर्स टाइगर्स. अंटिल द नेक्स्ट वीडियो, कीप प्रैक्टिसिंग, कीप लर्निंग. थैंक यू. Vision.